किसी ने ठीक ही कहा है कि खाकी और खादी की मदद के बिना कोई शख्स अपराधी नहीं बन सकता। और यूपी के चित्रकूट जेल में 5 दिन पहले गुनाह की जो इबारत लिखी गई, वहां भी जाहिर है ऐसा ही कुछ लगता है। यूपी के चित्रकूट जेल में एक शार्प शूटर 2 बदमाशों को गोली मार देता है, मरने वाले भी जेल में और मारने वाला भी, और फिर पुलिस मारने वाले शार्प शूटर को भी धाएं धाएं कर देती है, यानी शूट आउट एट चित्रकूट जेल। लेकिन इंतहा देखिए, 5 दिन गुजर गए, जेल महकमा और योगी सरकार ये नहीं जान पाई कि आखिर शार्प शूटर अंशु दीक्षित ने मुकीम काला और मेराज की हत्या क्यों की। और सबसे अहम तो ये कि आखिर अंशु के पास पिस्टल और बुलेट्स कहां से और कैसे पहुंची। अब जब बात चल निकली है पिस्टल की, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि आखिर वो हथियार कौन सा था जिसके जरिए अंशु ने मुकीम काला और मेराज की जान ली। सूत्र बताते हैं कि जिस पिस्टल के जरिए अंशु ने जेल में खूनी खेल खेला, वो ऑस्ट्रिया मेड ग्लॉक पिस्टल थी। आपको बता दें कि करीब 50 मीटर दूरी तक मारक क्षमता वाली यह पिस्टल छोटे असलहों में सबसे घातक हथियार मानी जाती है, और यही वजह है कि 9mm की इस ग्लॉक पिस्टल की सिविल यानी पब्लिक को सप्लाई पर रोक है। इसे केवल सेना और पुलिस को दिया जाता है। तो फिर सवाल यही कि आखिर सरकारी सप्लाई वाला यह हथियार गैंगस्टर अंशु को कहां से मिला, आखिर किसके जरिए यह पिस्टल जेल में बैठे अंशु के पास पहुंची और कैसे पहुंची उसकी गोलियां। तो जाहिर है खेल मिली भगत का ही हो सकता है। आपको बता दें कि जेल गेट में दाखिल होने के लिए 4 जगह जांच से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद भी आसानी से विदेशी पिस्टल, मैगजीन, एंड्रॉइड मोबाइल और अन्य विलासिता की सामग्रियां बंदियों तक पहुंचना इस बात की तरफ इशारा करती है कि जेल की व्यवस्थाओं में लापरवाही जारी थी, या फिर यूं कहें कि यहां बंदियों और जेल स्टाफ के बीच सेटिंग का खेल भी चल रहा है। चलिए अब आपको एक और खुलासे से रूबरू करा देते हैं। दरअसल इस मामले को लेकर चर्चाएं और शक की सुई एक जेल वार्डर पर भी उठ रही है। इस मुद्दे को लेकर जेल के एक वार्डर की भूमिका संदेह के घेरे में है। दरअसल जेल का एक वार्डर 6 मई को कोरोना के चलते छुट्टी पर था, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि 13 मई की शाम वह चित्रकूट जेल में देखा गया। जेल सूत्रों के माने तो 14 मई को शूट आउट के वक्त भी वह वार्डर जेल में मौजूद था। जेल सूत्रों की माने तो बागपत जेल में जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी, उस वक्त भी यह वार्डर वहां मौजूद था। इस घटना के बाद ही उसका ट्रांसफर चित्रकूट जेल में कर दिया गया था। आपको बता दें कि 9 जुलाई साल 2018 को बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अंजाम देने का आरोप पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर सुनील राठी पर है। बहरहाल जेल में अंशु ने जिस ग्लॉक पिस्टल से मुकीम काला और मेराज की हत्या की, पुलिस उसके सीरियल नंबर से पता लगाने में जुटी है कि वह देश की किसी सुरक्षा एजेंसी के पास थी या फिर विदेश से मंगवाई गई। इसके साथ ही ऐसे अपराधियों का पता लगाया जा रहा है जो सरकारी असलहे लूटने के माहिर हैं। अभी इसमें सबसे पहला नाम NIA के डिप्टी SP तंजील के हत्यारे मुनीर का आ रहा है। आपको बता दें कि मुनीर ने साल 2014 में ग्लॉक पिस्टल लूटने के लिए लखनऊ के एक जज के गनर को गोली मार दी थी। इसके अलावा दिल्ली के कई पुलिस वालों से उसने यह पिस्टल लूटी थी, और अब तफ्तीश ये भी चल रही है कि सीतापुर के हिस्ट्री शीटर अंशु या उसके गैंग का मुनीर से कोई कनेक्शन था या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।